नहीं, कि मेरा मानना है कि अगर कोई भी प्रेमी जोड़ा है, कोई भी है, कि इश्क करना बड़ी बात नहीं है, और ना इश्क करने से काम चलता है, पागल बनना पड़ता है दूसरे के लिए अगर एक होना है। तो इस पर लिखा था कि मुझे मारते सब हैं, मेरा कातिल कोई क्यों नहीं बनता, अगर वो मेरा अपना है, मेरी तरह जाहिल क्यों नहीं बनता। मुझे मारते सब हैं, मेरा कातिल कोई क्यों नहीं बनता, अगर वो मेरा अपना है, मेरी तरह जाहिल क्यों नहीं बनता। वो मुझसे कहता है कि तुमसे इश्क बे इंतहा करता हूं, वो सिर्फ इश्क क्यों करता है, मेरे लिए पागल क्यों नहीं बनता। वो लोगों से मेरे लिए सजा पूछता है, और बेरहम इसमें भी मेरी सजा पूछता है। वो लोगों से मेरे लिए सजा पूछता है, और बेरहम इसमें भी मेरी रजा पूछता है। मेरे घर को जलाने में आग उसके घर की थी, वो क्या चाहता है, दोबारा फिर मेरे घर का पता पूछता है। अमित भाई सुनिएगा कि वो गाड़ियां उसके गांव से जा रही थी, खाली नहीं थी, मेरे ख्वाब लेकर जा रही थी। वो गाड़ियां जो उसके गांव से जा रही थी, खाली नहीं थी, मेरे ख्वाब लेकर जा रही थी। खुशी इस बात की थी वो मंजिल के करीब थी, दुख इस बात का था वो मुझसे दूर जा रही थी। सुनिया कि तुम्हारे खिलाफ भी साजिश रचाई जाएगी, तुम्हारी तकलीफों पर भी उंगलियां उठाई जाएगी, और मेरे ख्याल से दो हिस्सों में टूटना होगा तुम्हें, पहले धोखा मिलेगा फिर मजबूरियां सुनाई जाएगी। सुनिया कि ना जाने ये कैसे लोग मर रहे हैं, जिनके इल्जाम मेरे सिर पर रहे हैं। ना जाने ये कैसे लोग मर रहे हैं, जिनके इल्जाम मेरे सिर पर रहे हैं। उन पर क्या गुजरती होगी जिनकी बाहों में तुम हो, एक हम है जो तुम्हारी तस्वीरें इकट्ठा कर रहे हैं, एक हम हैं जो तुम्हारी तस्वीरें इकट्ठा कर रहे हैं। कभी कभी तुम भी सोचा करो उन पर मरने का, वो क्या घर से फालतू है जो तुम पर मर रहे हैं। तुम भी फरेबियत का जायका चखा करो, हर वक्त बदन पर सच्चाई मत ढका करो। तुम भी फरेबियत का जायका चखा करो, हर वक्त बदन पर सच्चाई मत ढका करो। और सूरत, सीरत से ज्यादा सूरत को तवज्जो दी जाती है, वो भी कहती थी शायर हो बाल लंबे रखा करो। सुनिया कि जिंदगी के हर पहलू का इश्क से आगाज किया है, बस इसीलिए कई चेहरों ने मुझ पर नाज किया है। जिंदगी के हर पहलू का इश्क से आगाज किया है, बस इसीलिए कई चेहरों ने मुझ पर नाज किया है। एक दुख है कि मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली, वो अलग बात है, मैंने दिलों पर राज किया है। हर एक रिश्ते में जालसाजी अच्छी नहीं, नाराजगी ठीक है, धोखेबाजी अच्छी नहीं। हर एक रिश्ते में जालसाजी अच्छी नहीं, नाराजगी ठीक है, धोखेबाजी अच्छी नहीं। शादी के बाद उसे मेरी सब बातें याद आई, मैंने कहा था जल्दी ठीक है, जल्दबाजी अच्छी नहीं। सुनिएगा कि वहां के मकान अब कच्चे नहीं लगते, बस इसीलिए वो मुझे लोग सच्चे नहीं लगते। वहां के मकान अब कच्चे नहीं लगते, इसीलिए मुझे वो लोग अब सच्चे नहीं लगते। उनकी फितरत है नए दिन नए शख्स से मिलना, एक मैं हूं मुझे नए कपड़े भी अच्छे नहीं लगते।